अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी YouTube की फैमिली। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर बन रहा है जी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज सालन कोई भी नहीं था लेफ्ट ओवर में, और हम लोग यहाँ पर बनाने लगे हैं आलू फ्राई। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताई है। मतलब हमारे इन लॉज में जो है ये ज़्यादा खाए जाते हैं ब्रेकफास्ट में। मेरी मदर के घर में हम लोग आलू जैसे ज़ीरे वाले आलू भून के बनाते थे, उस तरह से बनते थे, लेकिन यहाँ पर ब्रेकफास्ट में जो है इस तरह के आलू इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और स्टिल ऑन आज भी कोई सालन नहीं था लेफ्ट ओवर में, तो मैंने सोचा कि ये जो अंडों वाला ऑमलेट है, प्याज टमाटर मतलब सब कुछ डाल के वो बना लेते हैं। थोड़े से इसमें नमक मिर्च भी ऐड की है, तो मतलब सालन का जो काम है वो कर लेता है ये। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता है रोटी के साथ, पराठे के साथ। साथ में इसके बन रहे हैं जी बल वाले पराठे जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े के लगते हैं। तो जी चारों जो चूल्हे हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं। एक पे रोटियां बन रही हैं, एक पे बन रहे हैं आलू, एक पे चाय, और एक पे बन रहा है जी हमारा ऑमलेट फ्राई, जो कि बड़ा ही जो है वो मज़ेदार सा लगता है रोटी और पराठे के साथ। अच्छा, आज जो आलू है ना वो मुझसे थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे, मतलब ओवर कुक हो गए थे, और थोड़े से जो है वो जल गए थे, वरना ये इतने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होते हैं, बिल्कुल लाइट से कलर के होते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मज़े के लगते हैं, और वाकई नाश्ते में जो है वो इसके साथ मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा जो ब्रेकफास्ट हो वो ज़रूर बनाया करो। और साथ ही में जी यहाँ पर हमारी जो लॉन्ड्री थी वो सारे कपड़े वॉश होकर आ चुके हैं, और अब इन सारे कपड़ों को जो है कबर्ड में जो है जी सारे सेट कर देंगे, और जहाँ जहाँ के कपड़े हैं उनकी जगह पर जो हूँ उनको फटाफट से जो हूँ मैं प्लेस कर दूंगी। और उसके बाद जी यहाँ पर रायन के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन जो है एक टॉय मंगवाया था, बड़ा ही अच्छा टॉय है। और आजकल इसको वैसे भी ना कार्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, कार्स के साथ प्ले करना, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे टॉयज जो हैं वो लेके आता है, तो एक ये काफ़ी अच्छा लगा था, अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो हमने सोचा कि ये रायन को पसंद आएगा। तो जी वो लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर मेन पर आकर इस तरह से रख जाते हैं। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये कि आपकी कोई भी चीज़ चोरी नहीं होती है, मतलब यहाँ पर देखें सामने यहीं पर जितने भी बॉक्सेस आते हैं पड़े रहते हैं, समटाइम पूरा दिन भी पड़े रहते हैं, समटाइम दो दो दिन भी पड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी आपके घर के आगे से चीज़ जो है वो उठा के नहीं लेके जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। और वाकई ये सारी बातें USA आने से पहले हम लोगों ने सुनी थी कि वहाँ पर लोग जो हैं उनमें 90% जो है वो इस्लामी चीज़ें हैं, और काफ़ी इस्लाम पर चलते हैं वो लोग। और बाकी कुछ बातें बिल्कुल ठीक हैं, काफ़ी हद तक ठीक हैं, इनका सिर्फ जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टाइल है वो हम लोगों से डिफरेंट है, लेकिन वैसे ये लोग चोरी वगैरह बिल्कुल नहीं करते। फ्रॉड चीटिंग यहाँ पर जब से मैं आई हूँ मैंने नहीं देखी, बल्कि शॉपकीपर्स भी जो हैं अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और वो डैमेज है तो वो स्पेशल आपको जो है वो बताता है कि ये डैमेज है, और अगर आपने लेनी है तो आपकी मर्ज़ी है। मतलब चीज़ की जो इस्लाम में हमारे ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ सेल आउट करते हैं तो उसकी जो खामी है वो ज़रूर बताएं, खूबियाँ तो हर कोई बताता ही है लेकिन जो खामी है वो बताएं। तो यहाँ पर मैंने हर किसी में यही चीज़ देखी है कि लोग खामी जो है उसकी पहले बताते हैं कि ये चीज़ में ये फॉल्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी इनकी मुझे बात ये लगती है कि कोई किसी की भी लाइफ में झांक झांक के नहीं देखता है कि कोई क्या कर रहा है, कितने बजे आ रहा है जा रहा है, या उसकी क्या रूटीन है, क्या कपड़े पहन रहा है, क्या खा रहा है, मतलब इस तरह का नहीं है। और एक दूसरे से हमेशा मेरे तो जो पास रहती हैं मेरी फ्रेंड्स हैं वो लोग कहीं स्टोर पर कॉफ़ी भी पीने जा रहे हैं और मैं अपने टेरिस पर हूँ तो वो ज़रूर जाते हुए पूछती है कि यू नीड समथिंग कॉफ़ी, और मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके लिए भी ले आऊँ। और मतलब जितने भी हमारे इर्द-गिर्द नेबर्स हैं सभी का जो है वो यही है, अगर कोई ग्रॉसरीज करने जा रहा है तो वो भी जाते जाते मतलब अगर आमने सामने आ गए हैं तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप हमें बता दें, हम लोग ग्रॉसरी करने जा रहे हैं तो हम आपके लिए भी जो है वो चीज़ ले आएंगे। तो मतलब इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है, असूलन तो यही होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करके चलना चाहिए। तो माशाल्लाह से मेरा जितना भी नेबरहुड है वो सभी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है और लविंग है, और माशाल्लाह मेरे बेटे से भी बहुत ज़्यादा जो है वो सभी प्यार करते हैं। हालांकि यू नो रायन काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉटी है, शोर भी करता है, और उनको भी समटाइम जो है वो तंग भी करता है, परेशान भी करता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हैं।
अभी था जी यहाँ पर शाम का टाइम स्टार्ट हो गया और मैं यहाँ पर जो हूँ किचन में खाना बना रही हूँ। और आज खाने में बड़ा ही मज़ेदार सा जो कीमा है, कीमा प्याज होता है, मैं वो बना रही हूँ। और साथ में मैंने अपना एक दूध का जो ग्लास है वो भर के रख लिया है। तो जी कीमे की रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। थोड़े से घी में आपने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और ज़ीरा डाल के इसको एक मिनट तक अच्छे से जो है भून लेना है। उसके बाद आपने कीमा डाल के कीमे की तकरीबन 5 मिनट तक बहुत अच्छे से जो है भुनाई करनी है। उसके बाद आपने एक मीडियम साइज़ की जो अनियन है उसको आपने रफली सा ही जो है वो काट लेना है। थोड़े से मोटे साइज़ में भी काट लें तो कोई इशू नहीं है। और जब कीमे को आपने फ्राई कर लेना है, थोड़ी सी उसकी भुनाई हो जाएगी, तो उसके बाद आपने इसमें जो अनियन है वो ऐड कर देनी है। और अब अनियन डालने के बाद जो है आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देना है और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, 4 मसाले जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और उसके बाद उसकी बस ये आपने भुनाई करनी है। और लास्ट पे आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो डाल देना है। हरा धनिया जो है वो फ्रेश डालिएगा, उसका जो टेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो हरा धनिया को अरोमा आ रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपने हरा धनिया इसमें बिल्कुल जो है स्टोव को बंद करने के बाद डालना है, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा जो है वो रहे, वरना तो वो बहुत जल्दी जो है वो डल हो जाता है। तो ये थी जी इसकी फाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरा फिर से दिल कर गया कि मैं यही वाला जो कीमा हूँ वो खाऊँ। तो जी खाने से फ्री होने के बाद यहाँ पर रायन को भी मैंने आया है शावर। और जब से रायन पैदा हुए ना, इसकी डायपर जो बास्केट है इस तरह से मैंने ज़रूर बनाई होती है। इसमें इसके डायपर वाइप्स और एक कपड़ा जो नीचे बिछा के मैं डायपर वगैरह चेंज करती हूँ, इसका लोशन, पाउडर, हेयर ब्रश, और पहले तो इसकी काफ़ी सारी वो क्रीम्स वगैरह भी होती थी जो रैशनल क्रीम्स होती थी। लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेदर अच्छा है तो रैशेज़ वगैरह नहीं होते, तो वो मैंने इसमें से निकाल दी थी। लेकिन हमेशा जो हूँ मैं इसी तरह से ही अपने बच्चों को शुरू से इसी तरह ही मैंने उसका एक सेपरेट हर चीज़, मतलब बच्चों की भी मुझे पसंद है कि हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज हो। खैर जी यहाँ पर अभी हमें चाहिए थी कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ी सी हस्बैंड ने शॉपिंग करनी थी, कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी। तो आज का जो हमारा शाम का प्लान है वो शॉपिंग से ही होगा, कि मतलब कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाएंगे, हम लोगों को बस अपनी चीज़ें लेनी है। और मैं कहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें लेती हूँ अपने किचन के, जो छोटे मोटे मुझे टूल्स चाहिए होते हैं आज आपके साथ मैं करूँगी वो भी शेयर। खैर यहाँ पर मेरे हस्बैंड को अपने फ़िशिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पर हम लोग आ गए। और रायन और मैं, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग उतर के नहीं जाएंगे और हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, लेकिन बस ये रायन ने जैसे देखा कि डैडी चले गए हैं और उसने एक शोर डाल दिया कि मुझे तो जिस स्टोर में जो है वो जाना ही जाना है, तो फिर मुझे भी जो है इसको लेकर स्टोर में मजबूरी से आना पड़ा। और यहाँ पर आकर वही इसने जो अपना डाका है वो स्टार्ट कर दिया कि बस जी मुझे तो टॉयज़ ख़रीद के दें। और इसी वजह से मैं इसको लेके नहीं जा रही थी, ऑलरेडी ही इतने सारे टॉयज़ ये लेता है। अब बार बार बच्चों को बंदा कितने जो है वो टॉयज़ दिलाए, ये तो फिर बिल्कुल भी जो है वो नहीं सुनता और ना रुकता है। मतलब अगर इसने आ गया है तो फिर ये टॉय लिए बगैर बाहर जो है वो नहीं जाएगा। और टॉय भी मतलब कोई ऐसे अच्छे नहीं थे, यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं थी, बस यही एक इसको चीज़ नज़र आई और उसने शोर डाल दिया कि जो फिशिंग पॉल है मुझे ये लेना है। तो जी फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट डॉलर स्टोर पे। और यहाँ से शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी अफोर्डेबल जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं और बड़ी प्यारी चीज़ें होती हैं। और हम लेडीज़ जो हैं वो थोड़ी सी बचत कॉन्शियस होती हैं, मर्द जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ से मैंने बड़ी ही मज़ेदार सी अपनी किचन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ले ली हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं करूँगी शेयर, हो सकता है टाइम मिला तो घर जाके शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इतनी मज़े की जो चीज़ें हैं वो मैं लेके आई हूँ। और मेरे हस्बैंड को तो मैंने पहले बताया यहाँ पे आने से नफ़रत है, वो तो अंदर भी नहीं आए थे और वो यहीं पर ही बाहर ही थे और वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और वो मुझे भी हमेशा मना करते हैं कि मत लिया करो, मुझे ये स्टोर ही नहीं पसंद है, कहीं और से लिया करो, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। और उनका मानना है कि सस्ती जो चीज़ें हैं वो 4 दिन में ख़राब हो जाती हैं, अच्छी चीज़ लो एक ही दफ़ा लो। लेकिन बस मुझे यहाँ से इतनी ज़्यादा मतलब रूटीन में जो यूज़ हो, छोटी मोटी चीज़ें लेती हूँ, कुछ ज़्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं नहीं लेती हूँ। खैर मैंने क्या लिया है अभी मैं आप लोगों के साथ करूँगी सारा शेयर। तो यहाँ पर जो कुछ रोटियों के रुमाल थे जो कि मैंने धो दिए थे और अब ये ड्राई हो चुके हैं, इनको मैं जल्दी से तय वगैरह लगा के रख दूँगी। और घर वापस आते साथ ही हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चाय पीने का, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ जी बड़ी ही मज़ेदार सी चाय, इलायची वाली। और यूजुअली तो मैं नहीं पीती, लेकिन जब कभी हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो फिर
उनकी कंपनी के साथ साथ मैं भी जो हूँ थोड़ी बहुत चाय इंजॉय कर ही लेती हूँ। और जो क्या शॉपिंग की है मैंने अपने किचन के लिए वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती, लेकिन ब्लॉग जो है वो ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा लंबा चला गया और छोटी छोटी सी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले लेगी वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कल के ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या मज़ेदार सी जो चीज़ें हैं वो शॉपिंग की हैं। तो कल का जो ब्लॉग है वो भी आपने ज़रूर देखना है, और इसके अलावा मेरा हर एक दिन के बाद ब्लॉग आ जाता है तो ज़रूर देख लिया करें। और जो यहाँ पर साथ ही में सारे जो किचन के बर्तन हैं वो भी मैंने भी वॉश करके रख दिए थे, मतलब जो भी चाय बनाई है उसके बर्तन थे। बाकी रात को किचन साफ सुथरा करके सोना मेरी आदत है, और बस मुझे इसी तरह से जो है वो रिलैक्स और बड़ी ही पुरसकून सी जो नींद है वो आती है। जो चाय के बर्तन गंदे हुए थे ये भी धो दिए, अभी जो 2 कप हैं जैसी चाय पियेंगी इनको भी जल्दी से मैं वॉश कर दूँगी। तो खैर जी, यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर लें मेरी वीडियो को, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का निशान है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो मिल सके। और सामने स्क्रीन पर आपको जितनी भी वीडियोस नज़र आ रही हैं उनमें से आप किसी को भी क्लिक करें और कंप्लीट करें वॉच, वो भी लगेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।